टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। कम से कम 97% ऑक्सीजन कौन ट्रांसफर करता? हमारा आरबीसी करता है। बाकी बचा कुचा जो 3% है इसको कौन ट्रांसफर करेगा? पहला ऑप्शन है क्या हमारा प्लाज्मा करेगा, या फिर हमारा लंग करेगा, या फिर हमारी जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो करेंगी, या फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी एंड रिमेनिंग 3% इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा। 97% जो है आरबीसी, ये जो है किसके द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा? आरबीसी की हेल्प से। बाकी 3% किसकी हेल्प से होगा? दैट इज प्लाज्मा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैमिलियन आईज द फोबिया इज द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर। मैमल्स की आईज में ये जो फोबिया सेंटर प्रेजेंट होता है ये विजुअल फील्ड में, मींस इसका क्या स्पेशल फीचर होता है? पहला ऑप्शन है क्या उसके पास रॉड ज्यादा प्रेजेंट होते हैं कॉन्स के कंपैरिजन में, या फिर हाई डेंसिटी होती है कॉन्स की एज कंपेयर टू रॉड के कंपैरिजन में, बट वहां पे रॉड नहीं प्रेजेंट होता है। ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई, या फिर जहां पे ऑप्टिक नर्व्स नहीं पाई जाती उसे फोबिया रीजन कहते हैं, या फिर ओनली रॉड्स आर प्रेजेंट, या फिर सिर्फ और सिर्फ रॉड्स प्रेजेंट होते हैं फोबिया रीजन। मैमल्स की आई में जो फोबिया सेंटर होता है जो विजुअल फील्ड के रिस्पॉन्सिबल होता है उसके पास हाई डेंसिटी ऑफ कॉन्स, वहां पे कॉन्स के नंबर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं अकर, बट हैज नो रॉड। फोबिया के पास मैमस की आई में जो फोबिया सेंटर होता है वहां पे हाई डेंसिटी में कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है, बट वहां पे रॉड्स का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता, मींस वहां पे रॉड नहीं प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवन इफ देयर इज नो डैमेज इन फोटो रिसेप्टर सेल, अगर हमारी फोटो रिसेप्टर सेल में कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है, स्टिल द पर्सन नॉट एबल टू सी ड्यू टू द डैमेज ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी। इवन इफ, मतलब हमारी जो फोटो रिसेप्टर सेल है उसमें कोई डैमेज नहीं हो रहा है, फिर भी पर्सन देख नहीं पा रहे हैं, तो बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन होगा, बॉडी हमारी आईज का ऐसा कौन सा पार्ट होगा जो डैमेज हो जाएगा जिसकी वजह से पर्सन अनएबल टू सी। फर्स्ट ऑप्शन इज क्या सीनरी बॉडी में डैमेज होगा, या फिर हमारे आईरिस में होगा, या फिर हमारे कॉर्निया में होगा, या फिर हमारे कोरोइड लेयर में होगा। फोटो रिसेप्टर में तो कोई डैमेज नहीं हो रहा, फिर भी पर्सन को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसके कॉर्निया रीजन में, उसका जो कॉर्निया है वो डैमेज हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टुलाई सेल आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। सर्टुलाई सेल, ऐसा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो किसको रेगुलेट करता हो, हमारे सर्टुलाई सेल को? पहला ऑप्शन है क्या प्रोलैक्टिन, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर ग्रोथ हार्मोन। सर्टुलाई सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन विच इज नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज FSH। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर कंट्रोल ऑफ। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारा कौन सा ग्लैंड होता है जो उसको कंट्रोल करके रखता है, और दोनों का आपस में बहुत ही अच्छा इंट्रैक्शन होता है, क्या हाइपोथैलेमस, या फिर एड्रेनल ग्लैंड, या फिर पाइनल ग्लैंड, या फिर थायराइड ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता? हमारा हाइपोथैलेमस करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैन द ऑस्मोटिक सेंटर आर सिचुएटेड इन। मैंस में ऑस्मोटिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता? ऑस्मोटिक सेंटर का मतलब होता है वाटर बैलेंसिंग सेंटर, मीन्स हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो क्या करता हो, वाटर को बैलेंस करके, मीन्स वाटर को हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता हो। पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, और चौथा क्या है मिडला ओलोंगेटा। मैंस में ऑस्मोटिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता? हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता। हमारा हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन ऑफ वाटर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड। ब्रेन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे कोरोइड कहते हैं,
या फिर उसे डूरा मैटर कहते या फिर उसे पाया मैटर कहते या फिर उसे आर्किनॉइड कहते। आउटर मेम्ब्रेन का नाम पूछा गया यहाँ पे, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है हमारी ब्रेन की उसे क्या बोला जाता है, दैट इज डूरा मैटर। क्या बोलते हैं, डूरा मैटर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड। इन चार में से ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। और इग्जो का मतलब क्या होता है, डक्ट ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड इसमें से कौन सा नहीं है। पैंक्रियाज इज एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड इज ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड, बट सलाइवरी ग्लैंड इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर नहीं आता है, इसे क्या बोलते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि ऐसा इन चार में से कौन सा ग्लैंड है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार्ट कोडॉन। इन चार में से ऐसा कौन सा है जिसको स्टार्ट कोडॉन बोला जाता है। ये जो तीन है UGA, UAA, UAG, ये तीनों कैसे होते हैं, ये तीनों को जो है स्टॉप कोडॉन बोला जाता है। बाकी ये बचा क्या है, AUG, AUG क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन। तो यहाँ पे पूछा गया था स्टार्ट कोडॉन किसे कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन इज AUG, सो द करेक्ट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैटेलाइट DNA इज यूजफुल टूल इज। सैटेलाइट DNA का यूज कहाँ पे किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्या फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय किया जाता है, या फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन के समय किया जाता है। सैटेलाइट DNA इज यूजफुल टूल इन अ फॉरेंसिक साइंस। सैटेलाइट DNA का यूज कहाँ पे किया जाता है, फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच DNA of the nucleus passes genetic information to mRNA। इसमें क्या बोला गया, इसमें सिंपली यही बोला गया है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है, DNA to mRNA, कैसे हो रहा है, DNA से mRNA तक, DNA से mRNA तक क्या हो रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या फिर उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, या फिर उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, या फिर उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम DNA टू mRNA, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और यही mRNA आगे जाके जब प्रोटीन में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन, और जब DNA जो है mRNA में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बींग इज। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है ह्यूमन बींग, इन चार में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से बिलोंग करता है। पॉली का मतलब बहुत सारे, जेनिक का मतलब जीन, मीन्स ऐसे कैरेक्टर जिसको बहुत सारा जीन कंट्रोल करता है उसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पहला ऑप्शन स्किन कलर, दूसरा ऑप्शन सिकल सेल एनीमिया, तीसरा ऑप्शन कलर ब्लाइंडनेस, चौथा ऑप्शन फिनाइलकेटोन्यूरिया। स्किन कलर में क्या होता है, स्किन कलर में बहुत सारे स्किन के कलर होते हैं, कुछ लोग ब्लैक होते हैं, कुछ लोग व्हाइट होते हैं, कुछ लोग प्योर व्हाइट होते हैं, कुछ लोग ब्राउन होते हैं, मीन्स हमारी बॉडी का जो स्किन कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो स्किन कलर ये जो डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसको बहुत सारे जीन क्या करेंगी, अपने कंट्रोल में करती, अपने खुद को कंट्रोल करती, मीन्स वो सारे कैरेक्टर को बहुत सारे जीन मिलकर कंट्रोल करती। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्किन कलर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। The next question is, what would be the nature of the children if color blind woman marry a normal man? किसी color blind woman ने शादी किससे की है, normal man से की है, तो उसके baby का nature क्या होगा, उसका बच्चा कैसा born होगा। color blind कोई होगा तो दोनों जीन क्या होंगी, defective होंगी। अगर color blind woman है तो दोनों ही जीन defective होगी, but जो है जीन डिफेक्टिव किस पे आता है, एक्स पे आता है, वाई पे कोई भी जीन डिफेक्टिव नहीं आता, मीन्स हमारी वाई जीन डिफेक्टिव नहीं होती, हमेशा कौन सी जीन डिफेक्टिव होती, दैट इज एक्स। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड की बात की, अगर कलर ब्लाइंड की बात की जाए, कलर ब्लाइंड वुमेन है तो दोनों जीन इफेक्टेड होगा, बट अगर बोला जाए वो कैरियर है, मतलब वो डिजीज को बस कैरी कर रही है, वो वेक्टर की तरह एड कर उसको डिजीज नहीं है, तो उसका एक जीन डिफेक्टिव होगा। और मैन क्या है, नॉर्मल है, तो एक्स वाई, तो X, XC, X, Y,
XCX, नेक्स्ट इज XCY। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉटर क्या है, एक डॉटर कैरियर, दोनों डॉटर कैरियर है और दोनों और एक सन क्या है डिफेक्टिव है, बाकी एक सन क्या है नॉर्मल है। ऑप्शन में क्या, जैसे यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, कलर ब्लाइंड सन, सन क्या है कलर ब्लाइंड है और डॉटर क्या है कैरियर है, क्योंकि यहाँ पे इसका एक ही जीन डिफेक्टिव, दोनों जीन डिफेक्टिव होता है मीन्स उसको वो डिजीज रहती, बट वहां पे उसका एक ही जीन डिफेक्टिव है मीन्स वो बेस्ट डिजीज को कैरी कर रही है। तो यहाँ पे डॉटर इज कैरियर एंड सन इज कलर ब्लाइंड, सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ होमोजाइगस होमोजाइगस रेड फ्लावर की क्रॉसिंग किससे कराई जा रही है, व्हाइट प्लांट के साथ कराई जा रही है, तो उसको ऑफस्प्रिंग कैसे बॉर्न होंगे। होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब सेम एलील, तो रेड के लिए कैरेक्टर क्या लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, व्हाइट के लिए हम क्या लेंगे इसी का जस्ट रिसीव फॉर्म मीन्स स्मॉल आर स्मॉल आर। अब क्रॉसिंग करके देख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, नेक्स्ट इज स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, सारे प्लांट कैसे आ रहे हैं, ऑल आर रेड 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 रेड, क्योंकि डोमिनेंट अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, रेसिव को अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करने देता। तो यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग वो कैसे होंगे रेड, मींस ऑल रेड फ्लावर आर प्रोड्यूस हो जाए, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ब्रीडिंग द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड, ब्रीडिंग के समय मीन्स जब ब्रीडिंग कराई जाती है, जब मेल और फीमेल को आपस में फ्यूज कराया जाता है, उस समय एंथर को रिमूव किया जाता है फ्लावर से, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्या उसे एंथेसिस बोलते हैं या फिर उसे पॉलिनेशन बोलते हैं या फिर उसे इमेसिकुलेशन बोलते हैं या फिर उसे वैसिकोटॉमी बोलते हैं। जब रिमूव किया जाता है एंथर को ड्यूरिंग ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के समय फ्लावर से एंथर को रिमूव किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इमेसिकुलेशन बाय द हेल्प ऑफ फोर्सेप, फोर्सेप की हेल्प से फ्लावर को रिमूव किया जाता है मीन्स फ्लावर से एंथर को रिमूव किया जाता है, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज इमेसिकुलेशन। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया, आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।